welcome to this channel. This is Akash Vimal. How you guys doing? और आज मैं आपको बताऊंगा how to keep this big teddy bear at your house very successfully without facing any health problems जो कि लोग actually में face करते हैं. The first thing is the temperature that you are giving them. As you all must be knowing, Saint Bernard जो breed है that is from the Swiss Alps, जहाँ पर actually में बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है and there's a lot of snow. तो जो कि आपको इनके कोट से भी पता लग सकता है, इनका कोट बहुत ज़्यादा डेंस होता है. सो यू हैव टू कीप द टेम्परेचर विच कैन बी कम्फर्टेबल टू देम एंड दे येस इट इज़ अ वेरी वेरी क्यूट ब्रीड, वन ऑफ द मोस्ट क्यूटेस्ट ब्रीड यू विल एवर सी. इंडिया में रखना इनको यू नीड अ प्रॉपर टेक्निक. ऐसा नहीं है कि आप रख नहीं सकते हैं, आप बिल्कुल रख सकते हैं, but you just need a technique. You have to give them the proper environment that they need actually. So आपको थोड़े से changes हैं जो कि करने होते हैं. जैसे कि बहुत सारे myths हैं, जब लोग इनको puppy लाते हैं घर में, उनको लगता है कि इनका coat बहुत ज़्यादा dense है और इनको बहुत ज़्यादा सर्दी वाले माहौल की ज़रूरत होती है, तो they switch on their air conditioners all the time 24/7 और लोग उनको रखते हैं उसमें. तो इससे क्या होता है एक्चुअली में, आपका जो पपी है, आपका जो डॉग है, उसको उसी एनवायरनमेंट की आदत पड़ जाती है, उसी टेम्परेचर की आदत पड़ जाती है. और जब आप उनको बाहर ले जाते हैं तो इंडिया में, एज यू कैन सी आई लिव इन दिल्ली और दिल्ली का वेदर काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, मोस्टली ड्राई रहता है एक्चुअली, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू कोप अप विद दैट. तो यहाँ पर यू हैव टू एडजस्ट, यू कैन नॉट गिव देम द फुल एयर कंडीशन टेम्परेचर. तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बैलेंस करनी होती है, डॉग को जो चाहिए और जो एक्चुअली में आप उसको आदत डालना चाहते हैं. तो यस, ये आदत डालना बहुत ज़रूरी है. तो मैं जब थियासा को लाया था तो शी वॉज अराउंड 2.5 months ओल्ड. तो ऐसा नहीं है मैंने इसको एयर कंडीशनर्स में रखा या एकदम बिल्कुल कम टेम्परेचर में रखा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने उसको एसीज़ में रखा पर बहुत कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने उसको एक डे में रखता था. और 2.5 months, अराउंड 2.5 months से लेकर इसको मैंने 8-9 months तक ऐसा इसको ये अंदाज़ा हो गया था इसकी बॉडी को एक्चुअली में कि कैसा वेदर होता है यहाँ का सब कुछ. सो यू हैव टू बैलेंस. आप इनको हमेशा बहुत कम टेम्परेचर रूम में नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपको कभी ना कभी डॉग बाहर भी निकालना है. मोस्टली लोगों के सेंट बर्नार्ड्स बाहर निकालते ही दे स्टार्ट ड्रूलिंग, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन हीट स्ट्रोक्स. यस, इनको हीट स्ट्रोक्स आ जाते हैं बहुत ईजिली होता है, और वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से होता है क्योंकि उन्होंने पूरे टाइम उनको रखा हुआ होता है 22 temperature, 21 temperature इन द रूम, और जब वो बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एंड देयर डॉग कैन नॉट टेक इट. सो ये काफ़ी ज़्यादा एक, मैं इसको कहूँगा एक टेक्निक होती है. आपको अपने डॉग की बॉडी को रेडी करना होता है हाउ टू एडजस्ट विद द वेदर. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम आपकी होती है. एंड द सेकेंड थिंग यू शुड कंसिडर इन योर माइंड बिफोर और वेन यू हैव अ सेंट बर्नार्ड, You should know that कि सेंट बर्नार्ड is also a dog. तो उनको भी काफ़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है. लोग सोचते हैं कि ये लेजी हैं so they don't need any exercise. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. They are also dogs, just like some other dogs. बस हाँ, आपको थोड़ा सा amount of exercise आपको dog को थोड़ा सा कम देना होता है, like a little bit. Not like आप उसको सिर्फ थोड़ा सा बाहर लेकर गए और उसने बाहर बस ऐसे देखा और बस वो फिर अंदर आ गया. तो ऐसे क्या होता है, डॉग को आदत पड़ जाती है और फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपका डॉग दिन ब दिन लेज़ी बनता जाता है एंड इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू कोप अप विद दैट. एंड एट लास्ट यू से दैट दिस ब्रीड इज़ वेरी लेज़ी, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द थिंग इज़ यू हैव मेड हिम लेज़ी. So you should consider that. And the most important thing, yeah, the most important thing is the feeding.
you should give your dog the best feed, the best dog food that is available or that you can afford, the best one. क्योंकि ये basic चीज़ है जो कि एक dog की body को संभालती है, उसकी immunity develop करती है और and everything. It does everything. And the main thing in feeding your dog is you should be feeding your dog the natural diet also. लोग क्या करते हैं, लोग डॉग फूड दे रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गिविंग योर डॉग पेडिग्री, रॉयल कैनन, यूकनुबा. दैट्स गुड, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. पर आपको नेचुरल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं डॉग्स के लिए. जैसे यू गिव देम फ्रूट्स, यू गिव देम वेजिटेबल्स, प्लांट वेजिटेबल्स. आप थोड़ा सा हाफ बॉइल्ड वेजिटेबल्स आप अपने डॉग्स को दे सकते हैं विद द राइस और विदाउट द राइस. Thanks for watching, guys. If you like the video, please hit the like button and please subscribe. I'll be uploading more videos of such kind. So, yes, thank you for watching.